जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज आपके सामने जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, वो हनुमान साधना के विषय में बताऊंगा। और हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए आपको किस प्रकार से साधना करनी चाहिए, क्या मंत्र होना चाहिए, क्या सावधानी होनी चाहिए, वो सारी चीजें इसी एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए, मैंने आपको एक पिछले दिन वीडियो दी है जो गुरु मंत्र की वीडियो है, और उसमें बहुत से लोगों को क्वेश्चन है कि क्या गुरु मंत्र का जाप करते हुए जो साधना के नियम हैं उनका पालन करना अनिवार्य है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज इसमें बता देता हूं कि अगर आप गुरु मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं संकल्प लेकर के, कि मान लिया आपको 1,25,000 मंत्रों का जाप करना है और मैं इतने दिन में पूर्ण करूंगा, अगर आप इस प्रकार से अनुष्ठान कर रहे हैं तो फिर आपको सारे नियम पालन करने होंगे। आपको ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना होगा, आपको यम नियम के जो सिद्धांत हैं उनका भी पालन करना होगा। अगर आप अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल आप प्रतिदिन गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं कि 4 माला गुरु मंत्र का जाप, 1 माला चेतना मंत्र का जाप और 1 माला गायत्री मंत्र का जाप आप अगर प्रतिदिन कर रहे हो, या फिर उससे ज़्यादा मंत्र जाप कर रहे हो, उससे भी तो ज़्यादा हो सकता है ना कि भाई हम 4 नहीं करके हम तो 16 करेंगे, तो उस में आपको कोई भी नियम फॉलो नहीं करने होते हैं। ना तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत रखने की आवश्यकता है और ना ही आपको किसी और अपने जो कार्य हैं, जो भी आप कार्य करते हैं दैनिक रूप से वो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप सात्विक रहें तो अच्छा है। सात्विक मतलब कि सात्विक भोजन करें, सात्विक विचार हों और अपने घर गृहस्थी का पूर्ण रूप से निर्वाह करें, जो आपका कार्य है वो भी करें, जो आपका व्यापार धंधा नौकरी है वो भी करें, और आप टाइम पर अपने गुरु मंत्र का जाप भी करें, ठीक है। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अगर हाँ आप अनुष्ठान करते हो तो फिर आपको सारे नियम फॉलो करने होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो हनुमान साधना है, हनुमान साधना एक बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। अगर आप ये कहें कि एक महाविद्या के तुल्य में हनुमान जी महाराज की जो कृपा है वो अत्यधिक और उनके समतुल्य ही है, क्योंकि हनुमान भगवान शिव के 11वें रौद्र रूप हैं। और भगवान शिव की रौद्र रूप की साधना अगर आप करते हैं तो फिर उस साधना में आपको कितना बल मिलेगा, आप ये देखिए। तो हनुमान जी की जो शक्ति है वो शक्ति अतुलनीय शक्ति है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। हर प्रकार के कार्य उनके द्वारा किए जा सकते हैं। आपका कोई भी कार्य अगर बिगड़ रहा है तो हनुमान जी की साधना से वो सारे कार्य संपूर्ण हो जाएंगे। अब अगर आप हनुमान जी की पूजा उपासना अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी तंत्र प्रयोग अगर करता है तो आपका अहित तो नहीं होगा। हाँ, बशर्ते कि आपको क्रिया आनी चाहिए उस तंत्र को काटने की। लेकिन फिर भी हनुमान जी स्वयं आपके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं कि अपने भक्त के ऊपर किसी भी प्रकार का वो कोई भी आघात नहीं होने देते। चाहे आप उनसे बोलो या मत बोलो, फिर भी आपको सुरक्षा जरूर देंगे वो। तो ये जो हनुमान साधना है जो मैं आज आपको बताऊंगा, ये साधना प्रत्यक्ष रूप से दर्शन की साधना है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमें हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं। तो देखिए, हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए आपको थोड़ा धैर्य और साहस की तो आवश्यकता होगी ही होगी, क्योंकि हनुमान जी के जब प्रत्यक्ष दर्शन होंगे तो उससे पहले जरूर आपको वो भयभीत जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसे ही आसानी से हनुमान जी के दर्शन नहीं होंगे। तो जो साधना है, साधना को किस प्रकार से आपको करना है, क्या उसका सही तरीका होना चाहिए,
क्योंकि गलत तरीके से अगर आप साधना करेंगे तो उसमें आपको दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन अगर सही तरीके से आप साधना करोगे तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि वास्तव में सही तरीका इसका है क्या और किस तरीके से आपको साधना करनी है कि आप हनुमान जी के साक्षात दर्शन आप प्राप्त कर सकें। देखिए, इस साधना में आपको जो मुख्य रूप से जो आपको सामग्री की आवश्यकता होगी वो हनुमान यंत्र और हनुमान जी की फोटो तो आपके पास होनी चाहिए और सभी घरों में होती भी है। ऐसा नहीं है कि कोई घर की जिसमें हनुमान जी की फोटो ना हो। हनुमान जी का चित्र होना चाहिए और एक कार्य सिद्धि माला होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही एक रक्षा माला भी आपके पास होनी चाहिए। तो हनुमान साधना करने के लिए मुख्य रूप से जो आपको सामग्री की आवश्यकता होगी वो हनुमान यंत्र, कार्य सिद्धि माला, यानी कि आप मूंगे की माला का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें जो मूंगे की माला होती है वो हनुमान जी के जो मंत्र होते हैं उनमें मूंगे की माला का ही इस्तेमाल होता है, जो लाल मूंगा होता है। तो हनुमान यंत्र, मूंगा माला या फिर कार्य सिद्धि माला और एक रक्षा माला, ये तीनों सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और रक्षा माला जो होती है वो रक्षा मंत्रों से सिद्ध होनी चाहिए। ऐसी चीजें आपको, ये तीनों चीजें प्राप्त करनी है। अब अगर आप ये चीजें लेना चाहते हैं तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं और आपको ये सामग्री विशेष रूप से मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, इसी बीच में मैं आपको एक थोड़ा सा और बता देता हूं कि जो अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली है, गुरु पूर्णिमा को आप जरूर गुरु पूजन करें, गुरु मंत्र का जाप करें और गुरु साधना भी आप उस दिन से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कोई अनुष्ठान करना है तो उसी दिन से आप गुरु अनुष्ठान शुरू कर सकते हैं कि भाई मैं 1.5 लाख मंत्रों का जाप करूंगा, 21 दिन में 1.5 लाख मंत्रों का मुझे जाप कर देना है। तो आप एक वहां से आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप ये सामग्री, हनुमान साधना की सामग्री आप प्राप्त कर लें तो इसके साथ ही साथ आपको सिंदूर भी चाहिए, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो चाहिए और एक तेल का दीपक इसमें लगेगा। आप सरसों के तेल का दीपक इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर तिल के तेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और जो जिस दिन से आपको साधना शुरू करनी है वो मंगलवार के दिन से आपको साधना शुरू करनी है या फिर किसी भी शुभ दिन से आप साधना शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर मेरा विचार मानो तो फिर मंगलवार से ही आप साधना शुरू करो। और ये साधना आपको रात्रि में करनी है, रात्रि के किसी भी समय आप साधना शुरू कर सकते हो। और रात्रि जो मानी जाती है वो 9 बजे से और 3 बजे तक के बीच के टाइम को रात्रि कहा गया है। तो मेरे विचार से 9 बजे से आप ये साधना शुरू करो और दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठना है, ठीक है। लाल रंग का आपका आसन होना चाहिए और लाल रंग का ही आपकी चौकी पर वस्त्र बिछा हो। और अगर आप कपड़े आप इस्तेमाल करते हैं जो पहनने के लिए, अगर वो लाल रंग के हों तो अच्छी बात है, लेकिन अगर लाल रंग के कपड़े भी नहीं हैं तो आप एक काम जरूर करें कि एक अंगोछा टाइप आप जरूर अपने ऊपर डाल लें या फिर आप गुरु चादर भी ओढ़ सकते हैं। जिन्होंने गुरु चादर है जिनके पास में, वो गुरु चादर ओढ़ करके ही मंत्र जाप करें, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले किसी भी मंगलवार के दिन, ठीक है, मंगलवार के दिन रात्रि को स्नान करके और लाल वस्त्र धारण करें, ऊपर से जो गुरु जी का गुरु चादर है उसको ओढ़ लें और अपने ही घर में आप ये साधना कर सकते हैं एकांत रूम में। तो आसन लगा करके लाल रंग का और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाएं और अपने सामने जो लकड़ी की आपने चौकी रखी है उस चौकी पर आपके गुरु का चित्र होना जरूरी है, भगवान श्री राम का चित्र या हनुमान जी का चित्र, दोनों एक में ही मिल जाते हैं। कई बार राम दरबार की जो फोटो आती है ना, आप उसी को रख सकते हैं, उसमें भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी होंगे और हनुमान जी भी उसमें विराजमान होते हैं।
तो आप वो फोटो आप रख सकते हैं। तो हनुमान जी की फोटो भी आपको रखनी है साथ में ही, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो जला दें, और जो दीपक है, दीपक तेल, तिल के तेल का या फिर सरसों के तेल का, वो दीपक जला लें। और सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने गुरु जी का पूजन करना है। आप गुरु आपके कोई भी हो सकते हैं, अगर आप जिनको जिन्होंने आपको गुरु मंत्र का ज्ञान दिया है, गुरु मंत्र दिया है, वही आपके गुरु हैं। तो गुरु जी का जो फोटो है उस पर आप धूप दीप से पूजन करें, सामान्य पूजन, उनको टीका लगाएं, चावल है तो चावल चढ़ाएं, भोग है तो भोग लगाएं, ठीक है। और हाथ जोड़ करके गुरु जी से प्रार्थना करें कि गुरु जी, मैं हनुमान जी की साधना प्रत्यक्ष रूप से दर्शन के लिए मैं करने जा रहा हूं, और इस साधना में मुझे पूर्ण रूप से सफलता मिले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और देखिए, जिन्होंने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है, डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है, तो वो उन्हीं का पूजन करेंगे और उन्हीं की जो फोटो है उसके सामने हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करेंगे, और उन्हीं के गुरु मंत्र को कम से कम एक माला का जाप जरूर करना है आपको। मतलब जो भी आपका गुरु मंत्र है उस गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है। और जिन्होंने भगवान शिव को ही गुरु मान रखा है तो वो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है। पूजन सभी का सेम है, पूजन ऐसे ही करना है, मतलब कि जिसने जिसको गुरु माना है उसका पूजन आपको उसी प्रकार से करना है जैसे कि गुरु पूजन मैंने बताया है। और मंत्र जो है, जिसको मान लिया शिव का मंत्र है या फिर कोई भी मंत्र है जो गुरु मंत्र है आपका, आप उसी का जाप करेंगे, एक माला का जाप आपको जरूर कर लेना है। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि जो भगवान श्री राम की फोटो है उनका पूजन करना है और ध्यान करना है भगवान श्री राम का, और हो सके तो राम का स्तोत्र जो होता है उसका भी आप पाठ कर सकते हैं, और भगवान श्री राम कवच का भी पाठ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई पुस्तक है जिसमें कि कवच दिया हुआ हो या फिर उनका कोई स्तोत्र दिया हुआ हो तो आप उस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और भगवान श्री राम का ध्यान करें थोड़ी देर के लिए, बिना माला के ही आप थोड़ी देर बैठ करके श्री राम का ध्यान करें, माता जानकी का, कि अब आपके सामने भगवान श्री राम और माता जानकी दोनों खड़े हुए हैं, आपको वो आशीर्वाद दे रहे हैं। आप उनके सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं हनुमान जी की साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मेरा रक्षण करें, मैं आपका भक्त हूँ, आपका बेटा हूँ, इस प्रकार से कह करके और भगवान श्री राम के मंत्र का एक माला का मन ही मन जाप करें। चाहे 10 मिनट कर लो, 5 मिनट कर लो, कैसे किसी भी प्रकार से करो, आप 5 मिनट कम से कम जाप कर लो, राम रामाय नमः, इस मंत्र का जरूर आपको जाप करना है, क्योंकि हनुमान जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं, और भगवान श्री राम का नाम जहां जपा जाता है वहां हनुमान जी विराजमान होते ही हैं। अगर रामायण का पाठ कहीं पर होता है तो वहां पर हनुमान जी सुनने के लिए अवश्य विराजमान होते हैं सूक्ष्म रूप में, और जो श्री राम का भक्त होता है उसके ऊपर हनुमान जी बिल्कुल भी प्रहार नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का प्रहार नहीं करेंगे वो, और किसी भी प्रकार का प्रहार होने भी नहीं देंगे वो, ये भी सच है, क्योंकि जो राम का सेवक है उसके वो रक्षक हैं, चाहे वो कैसा भी भक्त हो भगवान श्री राम का, ये उनका प्रण भी होता है, ठीक है। तो आप भगवान श्री राम का पूजन आप करना ना भूलें, बिल्कुल आप जरूर उसका पूजन जरूर करें, और भगवान श्री राम के नाम का जाप ले करके ही अपने चारों तरफ जल छिड़क दें, क्योंकि एक तरीके से वो आपकी सुरक्षा हो जाएगी। जब आप राम नाम का जाप करके और जल छिड़क देंगे तो वहां पर कोई भी उपद्रव नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और क्योंकि इस साधना में आपको डरावने दृश्य आ सकते हैं आपके सामने,
बहुत कुछ डरावनी चीजें हो सकती हैं, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। और इसके बाद फिर आप अपरक्षा मंत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी रक्षा मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं जो नॉर्मल रक्षा मंत्र होते हैं, लेकिन हो हनुमान जी का ही। और मैंने तो सबसे बढ़िया तो आपको यही बता दिया है कि अगर आप राम के मंत्र का इस्तेमाल करते हैं तो वो तो ब्रह्मास्त्र है, उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वो सेवक भी उन्हीं के हैं और उनकी आज्ञा का और उनकी अगर संरक्षण में कोई है तो फिर उसके ऊपर तो कोई मतलब ही नहीं होता है कि वो कोई किसी तरह का प्रहार करें या फिर किसी तरह की कोई घटना उसके साथ घटित हो। तो भगवान श्री राम का ध्यान करके और मंत्र को जरूर जपें। और देखिए फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि एक स्टील की प्लेट ले लें और स्टील की प्लेट में ही आप जो हनुमान यंत्र है उस यंत्र को आप स्थापित उसमें कर लें, और जो रक्षा माला है उसको अपने गले में धारण कर लें। और रक्षा माला तब तक आपके गले में रहेगी जब तक कि आप मंत्र जाप करेंगे, और जब मंत्र जाप आपका पूरा हो जाए तो रक्षा माला को उतार के आप अपने पूजा रूम में ही रख सकते हैं वहीं पर। और हनुमान जी का फिर आपको पूजन करना है, यंत्र का पूजन करना है, यंत्र के ऊपर आपको सिंदूर से टीका लगाना है, पुष्प चढ़ाने हैं, चावल चढ़ाने हैं और भी धूप दीप दिखाना है। हनुमान जी का विधिवत छोटा सा एक सामान्य पूजन जरूर करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपके दर्शन की कामना से ये साधना कर रहा हूँ और मुझे आप दर्शन दें, मुझे कृतार्थ करें, मुझे आशीर्वाद दें, और अगर मुझसे कोई गलती हो तो मेरी भूल को क्षमा करें। तो इस प्रकार से आप हाथ में जल लेकर के एक छोटा सा संकल्प ले लें और भोग लगाएं हनुमान जी को, गुड़ का, चने का, जो भी हनुमान जी का लड्डू का, जो भी हनुमान जी का भोग होता है वो भोग लगाएं और उस भोग को प्रतिदिन बच्चों में बांट दें। जब साधना पूरी हो जाए, जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाए तो उस भोग को बच्चों में बांट दें, ठीक है, उसका वितरण कर दें। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सुबह के टाइम प्रातःकाल में, क्योंकि रात्रि में तो कोई मिलेगा नहीं, तो प्रातःकाल सुबह उठ करके उस भोग का उठा करके और बच्चों में उसको बांट दें आप। और ये नित्य आपको भोग रखना ही रखना है, हनुमान जी के लिए भोग प्रतिदिन आपको रखना है। और जो आपकी कार्य सिद्धि माला यानी मूंगे की जो माला है, फिर उससे आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। अब मंत्र जाप आपको कौन सा करना है वो मैं आपको बता देता हूं कि मंत्र इस प्रकार से है, ओम फ्रॉम हनुमंताय प्रत्यक्ष दर्शनम देही देही फट। ये छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और देखिए कम से कम 1,25,000 की संख्या में जाप होना चाहिए। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने दिन में मंत्र जाप करते हो। आप 21 दिन में पूरा कर देते हो या 41 दिन में पूरा कर देते हो, वो टाइम आपके ऊपर निर्भर करता है। और मेरे विचार से तो आप 51 माला का जाप करें, 51 माला प्रतिदिन करें। अगर आप 51 माला प्रतिदिन करते हैं तो 21-25 दिन में आपका संभव पूरा हो जाएगा मंत्र जाप। और देखिए इस मंत्र को निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए और हर प्रकार से यम नियम के सिद्धांत का पालन करते हुए आपको कठोरता से पालन करना है, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों चीजों से आपको पवित्र रहना है। अपने मुख से किसी को भी आपको अपशब्द नहीं बोलने हैं, अपने मन में गलत विचार आपको नहीं लाने हैं और अपने किसी भी प्रकार से तन से कोई भी कार्य आपको ऐसा नहीं करना है जिससे कि आपको दोष लगे किसी भी प्रकार का। और देखिए इसमें आपको कभी भी किसी भी टाइम से या किसी भी दिन से आपको जो अनुभव शुरू होंगे वो अनुभव आपको किसी को नहीं बताने हैं। अनुभव आपके सामने डरावने भी हो सकते हैं और भयभीत करने वाले भी हो सकते हैं। तो देखिए क्योंकि महावीर हनुमान की साधना है, ये कोई छोटी मोटी साधना नहीं है। अगर जिनको एक बार इनका दर्शन प्राप्त हो गया, एक बार इनका आशीर्वाद प्राप्त हो गया, तो वो कुछ भी कर सकता है।
किसी भी प्रकार से अगर उसने अपने वचन से कुछ भी कह दिया तो किसी की हिम्मत ही नहीं है कि वो फिर टल जाए, या फिर किसी के ऊपर उसने हाथ रख दिया कि जा तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरा यह काम हल हो जाएगा, तो 100% वो काम हल होगा ही होगा और उसका कुछ बिगड़ भी नहीं सकता है। ये हनुमान जी की साधना का प्रभाव होता है। आपको डरावने दृश्य भी दिखाई पड़ सकते हैं इसमें, तो आप किसी भी प्रकार से ना तो भयभीत हों और ना ही विचलित हों। आप एकाग्रता के साथ में ध्यान लगा करके आप हनुमान जी के मंत्र का जाप निष्ठापूर्वक करते रहें और अपने हृदय में एक प्रकार से हनुमान जी को विराजमान करें। भगवान श्री राम का ध्यान भी आपके मन में चलता रहे। और देखिए जाप होना कैसे चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ आज कि साधना का प्रभाव और साधना में अनुभव कब शुरू होते हैं, कब आपका जाप जो है प्रचंड जाप कहा जाता है। कि आपका जाप इस प्रकार से होना चाहिए कि आपकी श्वास जो है वो चल रही है, आप श्वास लेते टाइम भी मंत्र का जाप चलता रहे और श्वास को छोड़ते टाइम भी मंत्र का जाप चलता रहे। यानी कई लोग क्या करते हैं कि जब श्वास लेते हैं तो मंत्र का जाप बंद कर देते हैं, श्वास लेने के बाद में फिर मंत्र का जाप वो चालू करते हैं, तो इस प्रकार से मंत्र जाप जो किया गया होता है वो निष्फल हो जाता है। श्वास लेते टाइम मंत्र का जाप चलता रहे और श्वास छोड़ते टाइम भी मंत्र का जाप चलता रहे, जब ऐसी स्थिति होती है आपकी तो ये प्रचंड मंत्र जाप कहा जाता है। तो प्रचंड रूप से मंत्र जाप होना चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति आपकी हो जाती है ना तो आपका ध्यान भी एक जगह लग जाता है, एकाग्रता हो जाती है। एकाग्रता में जब आप चले जाते हैं तो तुरंत ही आपको अनुभव आना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपका मन एकाग्र होगा तुरंत ही आपके चारों तरफ हलचल जो है वो मचनी शुरू हो जाएगी। जहां मंत्र जाप करते टाइम आपका मन एकाग्र हुआ तो समझ लेना कि आपके चारों तरफ हलचल होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, कि आपको लगेगा कि कोई घूम रहा है, कुछ है यहां पर। और हो सकता है कि आपको हर प्रकार के कुछ ऐसे डरावने दृश्य दिखा करके आपको भयभीत करने का प्रयत्न करें कि आप साधना छोड़ दें, या फिर आप जब शाम के वक्त सोते हैं तो फिर आप को उस वक्त भी कुछ स्वप्न आ सकते हैं, लेकिन उस वक्त हर वक्त आपके मन में राम मंत्र का जाप चलता रहना चाहिए। मानसिक रूप से राम रामायणम है, राम रामायणम है, ये मंत्र जाप मानसिक रूप से चलता रहना चाहिए। अगर आपके मन में राम नाम के मंत्र का जाप चलता रहेगा तो आपके सामने किसी भी प्रकार का दिन में रात में कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कठोरता से करना होगा। स्त्री से आप बातचीत तो कर सकते हैं लेकिन स्त्री के पैरों पर आपकी नजरें होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसके पैरों पर नजर रखेंगे तो आपके अंदर काम भाव उत्पन्न नहीं होगा। और आप अगर उसके अंगों पर आपने ध्यान रखा तो फिर आपके अंदर काम भाव उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि ये कोई शरीर जो है ये कोई मतलब कि कोई दिव्य आत्मा नहीं है या कोई ऐसे महापुरुष नहीं है, ये शरीर है, इसके साथ में ये सब चीज़ें लगी हुई हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये चीज़ें इसके साथ लगी हुई हैं और ये चीज़ें ही इंसान को मारनी पड़ती हैं तभी जा करके साधना सिद्ध भी होती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि 125,000 मंत्रों का जाप होते होते और भगवान महावीर के आपको दर्शन हो जाएंगे। अगर आपने साधना एकाग्रता के साथ में और पूर्ण निष्ठा के साथ में भाव के साथ की है, अगर आपने भाव के में आपका परिवर्तन है, निष्ठा नहीं है, तो फिर दर्शन मिलने में कुछ असंभव भी हो सकता है कि दर्शन आपको ना मिले। लेकिन घबराना नहीं, अगर एक बार में दर्शन ना मिले तो दूसरी बार साधना करो, उसी मंत्र इसी सामग्री से दूसरी बार साधना शुरू करो, ठीक है। और जैसे ही अगर आपको महावीर के दर्शन हो जाते हैं तो किसी भी प्रकार से आपको विचलित नहीं होना है, बिल्कुल भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। उनके दर्शन होने पर आप उनसे मनोवांछित जो भी आप चाहते हैं वो वरदान आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। अब आप कैसा भी वरदान प्राप्त करें, कि आप चाहते हैं कि मैं
दुखी लोगों का दुख दूर करना चाहता हूँ। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि जो व्यक्तियों की ठीक ही नहीं होती हैं, चाहे वो कितनी भी दवा खा लें, कुछ भी कर लें, तो ऐसा भी आप कोई वरदान प्राप्त उनसे कर सकते हैं कि प्रभु मैं किसी की, अगर ये किसी को कोई भी बीमारी हो, किसी भी प्रकार की हो, अगर मैं उसको चाहूं और मैं उसके ऊपर अपना हाथ रख दूं तो वो बीमारी उनकी दूर हो जाए। तो आप इस प्रकार का अगर वरदान प्राप्त कर लेते हैं तो आप दुखी लोगों का भला कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से उनके दर्शन जब आपको हो जाए, जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए, तो उससे अगले दिन फिर आपको यंत्र माला और रक्षा माला, इन सभी सामग्रियों को आप उसी लाल कपड़े में लपेट करके और कहीं भी बहते हुए पानी में आप उनको विसर्जित कर दें, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इस साधना है, ये साधना आप पूर्ण कर सकते हैं और ये साधना बहुत ही अच्छी साधना है, जिसको कि मैं सबसे अच्छी साधना मानता हूँ, क्योंकि आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं तो कल्याणकारी देव हैं हनुमान जी। साधना अच्छे से करें ये आपके ऊपर निर्भर करता है, सिद्धि आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप साधना किस प्रकार से कर रहे हो। मंत्र का गलत प्रयोग नहीं होना चाहिए और मंत्र का गलत उच्चारण नहीं होना चाहिए। अगर आप मंत्र का सही उच्चारण करेंगे, सही तरीके से साधना करेंगे, तो जरूर आपको सफलता मिलेगी, वरना फिर असफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।